तो दोस्तों विंडोज़ 11 को अगर आप यूज़ करते हो तो कुछ उसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे एक फ़ीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है कोर आइसोलेशन, जिसको बहुत सारे लोग मेमोरी इंटीग्रिटी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यह डाउट है, सवाल है कि क्या हमें इस ऑप्शन को, सिक्योरिटी को इनेबल करके रखना चाहिए या डिसेबल करके रखना चाहिए। अगर इनेबल करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, डिसेबल करते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं। तो डिसेबल होने के भी क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि गेमिंग वाले बंदे भी बहुत यहाँ पे पूछते हैं कि क्या हमें इस फीचर को ऑन करके रखना चाहिए या ऑफ करके रखना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह की यूज़फुल टिप्स इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कोर आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप कंसर्न्ड हो अपनी सिक्योरिटी को लेके। अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस सिक्योर रहे, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल ना हो, तो यहाँ पे आपको इस सिक्योरिटी को ऑन करके रखना पड़ेगा। अब ये कोर आइसोलेशन एक वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी है, तो क्या होता है कि जब भी कभी आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इंटरनेट से, तो यहाँ पे एक कोर आइसोलेशन की एक लेयर बनती है आपके पीसी और उन एप्लीकेशन के बीच में। और ये कोर आइसोलेशन पहले उसे टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, अगर इसको लगता है कि हाँ ये मैलिशियस फ्री है, सेफ़ है, तभी ये आपके पीसी में सेंड करता है। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि अगर आप कंसर्न हो अपनी सिक्योरिटी को लेके तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखो, लेकिन अगर आप कंसर्न हो ज़्यादा गेमिंग को लेके, अगर आप गेमिंग के लिए पीसी को यूज़ करते हो, तो इस ऑप्शन को शायद आपको डिसेबल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ करता है और आपका पिंग भी यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकता है। FPS में आपको गारंटेड ड्रॉप देखने को मिलेगा, इवन आपके लेटेंसी में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको गेमिंग करनी है और आपको FPS में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेटेंसी में कोई दिक्कत ना आए, रिसोर्सेज आपके बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तो यहाँ पे आपको इस सिक्योरिटी वाले फीचर को, कोर आइसोलेशन को डिसेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो इसको ऑन करके रखो, अगर आपको गेमिंग चाहिए, गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको इस ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि शुड यू इनेबल दिस कोर आइसोलेशन फीचर ऑन या ऑफ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।